नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन। मैं हूं विशाल कौशिक। आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर का खास बुलेटिन, जिसमें हम नजर डालेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों। तो शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबर। फरीदाबाद में एक कबाड़ गोदाम में धमाका, एक कर्मचारी के चितड़े उड़े और 3 हुए घायल। प्रदर्शनकारियों ने कहा, मनोहर लाल खट्टर सरकार के पक्ष में वोट करने वाले विधायकों का होगा बॉयकॉट। हरियाणा में निजी कंपनियों में 75% आरक्षण देने को लेकर दी गई चुनौती, कई औद्योगिक संस्थाओं ने याचिका दायर की। अभय चौटाला बोले, विहिप की आड़ लेकर विधायकों ने विधानसभा में किसानों के साथ किया धोखा। महिला एवं बाल विकास फरीदाबाद परियोजना के अंतर्गत संत नगर क्षेत्र से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत निकाली गई साइकिल रैली। फरीदाबाद जिले में आज 21 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो वही 14 ठीक होकर अपने घर पहुँचे। फरीदाबाद में आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिरों में रही श्रद्धालुओं की भीड़। फरीदाबाद की अवैध कॉलोनियों में अब मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी सरकार। अब नजर डालते हैं देश की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को लगा आज कोरोना का वैक्सीन, प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। अस्पताल से ममता दीदी का वीडियो संदेश जारी, अब व्हील चेयर पर करेंगी चुनाव प्रचार। बिहार में शराबबंदी पर तंज कसते हुए बोले तेजस्वी, सीएम नीतीश सबसे बड़े शराब माफियाओं के विधायक, शराब के नशे में लगाते हैं ठुमके। आप नेता राघव चड्ढा हुए कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए सभी लोगों को दी जांच करने की सलाह। महाराष्ट्र में बढ़ते लॉकडाउन को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, जल्द कुछ क्षेत्रों में लगेगा लॉकडाउन। अब नजर डालते हैं मनोरंजन जगत की। महाशिवरात्रि पर प्रभास ने शेयर किया फिल्म राधे श्याम का पोस्टर, बर्फ के बीच दिखे दोनों एक्टर। फिल्म तूफान के नए पोस्टर में नजर आए मृणाल ठाकुर और फरहान अख्तर का रोमांटिक मूड, कल रिलीज होगा फिल्म का टीजर। अब नजर डालते हैं खेल जगत की। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने कहा, 2036 या 2040 की मेजबानी कर सकता है अहमदाबाद। यूएफए चैंपियंस लीग में पोर्टो ने दिखाया जुवेंटस को बाहर का रास्ता, रोनाल्डो ने किया सभी को निराश। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की। पड़ोसी देशों में भी दिखी महाशिवरात्रि की धूम, श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त ने भी की शिव की पूजा अर्चना। क्वाड की बैठक में बड़ा मुद्दा होगा कोरोना वैक्सीन, अमेरिका के सेनेट में हुई चर्चा, भारत निभा सकता है बड़े जिम्मेदारी। हांगकांग पर नियंत्रण बढ़ाने वाले प्रस्ताव पर चाइना संसद की लगी मोहर। भारत ने कनाडा को दी कोरोना वैक्सीन, बिलबोर्ड लगाकर कनाडा में किया गया प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद। महाशिवरात्रि की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना। देखते रहें न्यूज़ एनसीआर।